आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। मैं शार्क मीडिया से आमिर, इस समय हमारी टीम समीउद्दीन खान उर्फ मुन्ना मारिया के आवास पर है। हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि क्या क्या योगदान नानपरा विधानसभा क्षेत्र में इनका है। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़ सकते हैं विधानसभा क्षेत्र में, और कोरोना संक्रमण काल में क्या क्या योगदान रहा हम जानेंगे, और क्षेत्र में नानपारा क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या चाहते हैं प्रशासन से वो, और संक्रमण काल में समाज सेवा में क्या योगदान रहा उनका, आइए जानेंगे। शिक्षा दीक्षा कहाँ से बोले? शिक्षा दीक्षा इंटर हमने जो है जनता इंटर कॉलेज नानपारा में किया, और ग्रेजुएशन हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया जी। किस सन में? 1990। उसके बाद समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन किया आपने? समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन की है 92 से ज्वाइन की है। सक्रिय राजनीति हमारी जो है 2002 से ही शुरू हुई। वर्तमान सरकार जो काम करने का तरीका है, जो योजनाएं हैं, जो नए कानून हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जो भी सरकार बनती है वो जनता के लिए बनती है। अगर कोई कानून बना है और जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मेजॉरिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो सरकार को चाहिए उन कानूनों को तुरंत निरस्त कर देना। सरकार जनता से है, जब जनता ही नहीं मान रही है कि ये कानून अच्छा है, तो सरकार को चाहिए रोक दे। जब जनता की मांग बढ़े तो फिर वो कानून बने। लाखों किसान धरने पर बैठे हैं जी, और रास्ता रोको, 3 घंटे के लिए रास्ता रोको आंदोलन भी है पूरे देश में, 3 राज्यों को छोड़कर। भाई आज पूरे हिंदुस्तान में एक दहशत ज़दा माहौल पैदा हो गया, सीए को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर। सरकार बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरा उथल पुथल है हिंदुस्तान। सरकार ने तो 1.5 साल के लिए टाल दिया है किसान। भाई क्यों टाल रहे हो 1.5 साल के लिए, जब किसान कह रहा है, इतनी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं कि हमको कानून नहीं चाहिए, तो आप 1.5 साल क्यों पाबंदी लगा रहे हैं कि 1.5 साल के लिए टाल दिया? आप पूरी को पूरा क्यों नहीं टाल दे रहे हैं? भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि आप मेरे यहाँ आए हैं, आपको सपोर्ट कर लिए कि आपको दुकान पर गए हैं और आप कह रहे हैं कि हमको टाटा की चाय चाहिए, और हम कहे दुकानदार कहे नहीं आप जो है विमला की ले जाइए चाय, दूसरी कंपनी ब्रांड की ले जाइए, बहुत अच्छी है, लेकिन जो पीने वाला है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, वो कह रहा है हमको टाटा की ही चाय पसंद है, तो दुकानदार कौन होता है जबरदस्ती करने वाला? सरकार का कहना है कि सिर्फ एक राज्य से विरोध की आवाज आ रही है, पंजाब से। ये आप कह रहे हैं कि आप भी पंजाब, सरकार कह रही है कि पंजाब से ही आवाज आ रही है, ये तो आप भी जान रहे हैं कितने राज्यों से आ रही है। भाई मीडिया नहीं दिखा रही है, उनकी मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन आज की जो फेसबुक चल रहे हैं और जो दूसरी मीडिया है वो दे रहे हैं बराबर। इतना बड़ा जन सैलाब दिखा दिया महाराष्ट्र में, वो नहीं देखा कहाँ, नहीं दिखा रहे हैं। गुजरात में भी दिखाया लोगों ने पूरे तरीके धरना पर, यूपी में आज जो है एक हफ्ते से पूरे लोग रोड पर जाम करे बैठे, फिर पंजाबी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? और पंजाब तो वो सूबा है कि जहां के लोग पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत एस्टेब्लिश सूबा रहा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितना योगदान पंजाब का रहा है किसी और प्रदेश का रहा है। आजादी के अगर गीतों आजादी के दौर का आप इतिहास उठा के देख लें, तो जितना जो है बलिदान पंजाब ने दिया किसी और प्रांत ने दिया? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, एक तो नहीं है, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने जो है आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन जो अग्रसरी रहा है वो पंजाबी था। आपका नानपारा विधानसभा क्षेत्र आता है जी, तो इस क्षेत्र में प्रमुखतया क्या क्या समस्याएं हैं? अभी देखिए हमारे यहाँ जब सपा सरकार बनी थी तो रोडों का काम तमाम हो गया था हमारे यहाँ, उसके बाद भी रोडों का कुछ न कुछ काम हुआ है, लेकिन जो हमारी विधानसभा के इंटीरियर का एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र जैसे शिवपुर ब्लॉक है हमारा, वो भी बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। वो बाढ़ग्रस्त एरिया भी शिवपुर रहा है,
और उसमें रोडों की समस्याएं बहुत हैं और रोडों की समस्याएं बहुत हैं और वहां पे बिल्कुल पिछड़ापन है। और ये हमारा बगल में है बाबागंज ब्लॉक, ये भी पिछड़ा हुआ है। हमारा जो थोड़ा से आंशिक बलहा ब्लॉक का आंशिक भाग हमारी विधानसभा में आता है, तो ये इसमें भी समस्याएं हैं रोडों की, लेकिन उतनी नहीं है जितनी समस्याएं शिवपुर और जो है नवाबगंज ब्लॉक की समस्याएं रोडों की। और यहाँ के ऊपर शिक्षा की समस्या है, अस्पताल हमारे यहाँ है लेकिन ऑपरेशन का कोई उचित व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर पोस्ट तो है यहाँ लेकिन ज्यादातर डॉक्टर अपने घर ही से वही निजी क्लिनिक संचालित करते हैं, निजी क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। अब इधर जो है 6 महीने से कुछ डॉक्टर आए हैं जो ड्यूटी सही से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो है सर्जन की बड़ी सख्त आवश्यकता है। लेडीज डॉक्टर कोई MBBS MD नहीं यहाँ पर है, इसकी समस्या है। आबादी चूंकि अब इन 10 सालों में बड़ी बढ़ रही है, इस संबंध में आपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ या जिला अधिकारी बहराइच के यहाँ कभी आपने एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन नहीं दिया है लेकिन फोन पे हमारी बातचीत हुई है। अच्छा। और आश्वासन दिया है लेकिन पोस्ट भी किया है, लेकिन कोई रुकता नहीं है क्योंकि ऊपर से कोई दबाव रहता नहीं, आते हैं चले जाते हैं। सर्जन की बहुत सख्त आवश्यकता है, डॉक्टर की आवश्यकता है। जबकि अभी जो वर्तमान विधायक हैं तो प्रयासरत हैं इस तहसील को जिला बनाने के लिए, तो जिला कैसे बन पाएगा जब डॉक्टर भी नहीं, चिकित्सा सुविधा बदहाल है? जिला बनाने का प्रावधान उससे पहले भी चल रहा है लेकिन विधायक जी ने भी उसमें जो है साथ दिया है उन लोगों का जिला बनाने में। इसमें सच्चाई है कि जिला बनाने के लिए विधायक ने भी कोशिश की है, लेकिन जिला इतनी आसानी से तो बन नहीं जाएगा जब तक यहाँ के ऊपर 3 तहसीलें न हो जाए, काटा जाए, तो शासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, शासन चाहे तो। विद्युतीकरण व्यवस्था कैसी है यहाँ? विद्युतीकरण व्यवस्था इस वक्त ठीक है क्योंकि समाजवादी सरकार ने जगह जगह पर सब स्टेशन पहले से ही कायम थे। समाजवादी सरकार अखिलेश माननीय अखिलेश भैया के मुख्यमंत्रित्व काल में ही ये काम हो गया था, इसलिए उसी के तहत अब बिजली हम लोगों को अच्छी मिल रही है। ये तो समाजवादी सरकार की देन है जो बिजली हम लोगों को मिल रही है।